स्टूडेंट आई आज फिफ्थ क्लास की हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, हिंदी की स्टडी कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है स्टडी है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले की स्टोरी मैंने आपको बताई दी है, आगे की स्टोरी मैं स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने योग्य यान में दो विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। पहली है कि वायुहीनी शून्य प्रदेश में यान उड़ सके और दूसरी है कि इसके इंजन के अंदर गति उत्पन्न करने की क्षमता बराबर बनी रहे। क्या कहा गया इसमें, जो यान है उसमें इंजन के अंदर की जो गति है ना, वो कैसी बनी रहे, बराबर, मतलब कि इक्वल बनी रहे। इन दोनों ही बातों को पूर्व करने में रॉकेट सक्षम है। जो रॉकेट है इन दोनों को बात को पूरा करने में किसका योगदान है, रॉकेट का योगदान है। रॉकेट का आविष्कार सर्वप्रथम लगभग 1200 में चीन ने किया था। जो रॉकेट है उसका आविष्कार किसने किया था, चीन जो देश था उसने किया था, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे आगे की कहानी में कि किसने किया था, उसका नाम भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चीन से रॉकेट की तकनीक दूसरे देश में पहुंची। चीन, आपको पता है ना, चीन सबसे पहले बनाता है कोई भी सामान और फिर उसका जो सामान बनाने का जो होती है प्रक्रिया, जो होती है प्रोसेस जो होता है, वो क्या होता है, दूसरे देशों में को भी पता चलता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो भी अपने देश में उस चीज़ का आविष्कार करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यान के रूप में रॉकेट का विकास का श्रेय रूस के, अब नाम बताया गया है, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, मैं तो आपको तोड़ के बताऊँगी क्या नाम बताया गया है। जो इसका विकास जो किया था रॉकेट का, उसका क्रेडिट किसको मिलता है, उसका नाम है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टेंटिन, क्या है, कॉन्स्टेंटिन, ये एक नाम है, पूरा बड़ा नाम है, कॉन्स्टेंटिन ज़ियोलोकवैस्किन, मतलब कि ज़ियोलोकवैस्किन पूरा नाम है। ये पूरा नाम इसका एक ही है, इसको आधा आधा दे रखा बट नाम एक ही है, ठीक है। नामक वैज्ञानिक को प्राप्त है, ये जो नाम आपको मैंने पढ़ के बताया उसको पूरा क्या मिलता है, इस रॉकेट को बनाने का क्रेडिट मिलता है। इस रॉकेट के विकसित रूप स्वरूप ने ही सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल को भेद कर अंतरिक्ष यात्रा की पहल की, ठीक है। आज स्थिति यह है कि निरंतर वैज्ञानिक प्रयासों के उपरांत रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचाने में असफल हो गए हैं, परंतु किसी मानव को अभी तक इन ग्रहों पर नहीं उतारा जा सका है, ठीक है। सन 1969 में सारी दुनिया में यह प्रचारित किया गया कि अमेरिका का प्रथम यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर उतरने में सफल रहा। ये जो नाम बताया गया है धरती पर, चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, कदम रखा था अपना, ठीक है। और वो उसमें क्या होते हैं, सफल भी हुए थे, वहाँ से वापस भी आए थे, वहाँ पे पहुँच भी गए थे और वहाँ से वापस भी आए थे। परंतु विश्व के अन्य वैज्ञानिकों को अमेरिका के इस कथन में असत्य का पुट अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उसके बाद आज तक कोई भी मानव चंद्रमा के तल पर नहीं उतर सका। बस चंद्रमा पे एक ही व्यक्ति गया था, वो गया भी था और वापस भी आया था। इस व्यक्ति के जाने के बाद अभी तक चंद्रमा तक कोई भी नहीं पहुंचा है, और ना पहुंचा नहीं है तो वापस भी नहीं आया, ठीक है। तो जो अमेरिका के लोग हैं उनको क्या है, इस बात पे क्या है, संकेत है, डाउट है, ठीक है। तो बेटा आज का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज का होमवर्क है आपको सिर्फ शब्दार्थ रीड करने हैं, मतलब कि शब्दार्थ पढ़ने, किसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये रुचि होता है, रुचि को दो नाम से जानते, एक तो पसंद के नाम से जानते, एक चाह के नाम से जानते। तो आपका काम है ये वर्ड मीनिंग आपको क्या करनी है, रीड करनी है, समझनी है। जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा वो आगे की स्टोरी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।